दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा चुप हो जा नहीं तो रघु और राजीव आ जाएंगे, लेकिन जब उस बच्चे से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है तो वो कहता है माँ मुझे रोडीज बनना है। इतना डराते हैं सबको, पर फिर भी हर बच्चा रोडी क्यों बनना चाहता है? बेवकूफ़ी और जीनियस में फ़र्क ये होता है कि जीनियस की हद होती है, बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती। लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रोडीज की क्रू है, जो हमारा काम है, वो लोग पसंद करते हैं और हमारी मेहनत की वजह से लोगों को स्टारडम मिलता है, उनको इंडस्ट्री में एक शुरुआत भी मिल सकती है। मेरे ख्याल से इसलिए रूडीज बनना चाहते हैं। और उसके अलावा रूडीज एक बैज बन चुका है, एक मेडल बन चुका है, एक रूडी की एक अलग ही पहचान है, अलग ही मीनिंग है यूथ में, वो पहचान अपने लिए चाहते हैं। रघु ने अभी अभी कहा कि हमारे शो पर आने से लोगों को स्टारडम मिलता है, और यही बात जब कंटेस्टेंट्स ऑडिशंस में आके बोलते हैं तो ये गलतफहमी है। आई वांट टू से कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करते हो तो खाना आता है, अगर आपको सिर्फ खाना ही खाना है ना तो घर पे खाओ। एक प्रोसीजर और उसका जो इफेक्ट साइड में आता है उस इफेक्ट पे मत जाओ, आप अपने आप को दिखाओ। आपको अगर स्टारडम चाहिए आप ऑडिशन दीजिए, किसी फिल्म में हीरो बन जाइए, आप किसी सीरियल में हीरो बन जाइए, बिग बॉस में जाइए, खतरों के खिलाड़ी में जाइए, हमें कुछ नहीं पड़ी। आप तालियां बजा रहे हैं, हम ऑल द बेस्ट, हमारी मेहनत पे आप मतलब बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे सर, क्यों पिछले साल इतने सालों से इतने लोग फेमस हो रहे हैं, मुझे भी कर दो। खैरा तो नहीं। अच्छा मैं आप सबको बता दूं कि रघु राजीव अब सिंगर भी बन गए। रघु सिंगर बना है, हमारे जो रोडीज नाइन का नया एक एंथम है मनमानी, आप उसकी बात कर रहे हैं? अभी अभी यूट्यूब में रिलीज हुआ और काफ़ी हिट हो गया है। मैं सिंगर, आप कह रहे हैं मैं सिंगर बन गया, ऐसा नहीं है कि मैं गाना बहुत सालों से गाता हूँ, अपने लिए गाता हूँ। और कोका मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और मैं उनको बहुत अच्छी तरह ट्रस्ट करता हूँ, तो आई वेंट अलॉन्ग विद इट। मेरी आंखों में सुलगते हैं कितने सूरज के शोले, कायनात कर मुट्ठी में जलती ये सांसें बोले, कुछ नहीं कुछ क्या है ज्यादा, ज्यादा से दिल ये भरे ना, चांद पूरा बांट तारे ले ले तू किश्तों में दुनिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तो बोलेंगी यार, अब तो बोलेंगी का मतलब आपके लिए गाना कैसे बनेगा? थैंक यू सो मच, बट एक्चुअली मैं एक और करियर ऑप्शन साथ में रख सकते हैं, जब चाहे सिंगिंग में भी आ सकते हैं। एक्चुअली सिंगिंग इतना बोली, जैसे एक कर्ज करके पिक्चर आई थी ऋषि कपूर चेन्नई हीरो थे और प्राण का एक किरदार था कबीरा, तो कबीरा पहले उसकी पिटाई करवाता है, फिर वो लड़ता है, वो करके तो मिलते हैं, तो प्राण उसे पूछता है नाम, वो कहता है रॉनी, ये जो काम अजीब मैं गाना गाता हूँ, गाता तो मैं भी हूँ, काम क्या करते हो, गाता हिंदुस्तान में गाता हर कोई है, पर ये नहीं कि सिंगर बन जाए, ये बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। लेकिन जो सिंगिंग के जो हमारे स्टार्स हैं जो बनाई है IITs दिल्ली ने रोडीज की, राउडीज के नाम से, वो देखिए आप लोगों ने। मैं उस टाइम अमेरिका में शूट कर रहा था, मैंने सुना इसके बारे में ज़्यादा, कुछ सेकंड देखे मैंने उसके, मैंने देखा या रिएक्शन ऑन दैट, गुस्सा आया, अच्छा लगा या यू वर लाइक ओके अबाउट इट? इसी मैं समझा देता हूँ, पहले मैं उन लोगों के बारे में बोल देता हूँ कि काफ़ी डेड पैन एक्सप्रेशन था, काफ़ी उनका ऐसा नहीं लगा कि वो यू नो बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और स्पेशली जो आदमी रघु और राजीव दोनों वो कर रहा है, उस काफ़ी वो कुछ भी कर रहा था, बहुत मजाकिया था, लेकिन वो ज़्यादा उसने ख़राब नहीं किया, अच्छा किया। ये बोल के मैं ये भी बोलूँगा कि किसी के ऊपर स्पूफ बनना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, आई डोंट थिंक दे वांटेड टू फ्लैटर अस राजीव, नो दैट्स फाइन, इट्स नॉट देयर इंटेंशन, आई रियली फील दैट इट वाज क्वाइट फनी, जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा, मैंने इससे ज़्यादा सुना है, रणविजय हंस हंस के बता रहा था मैं, इसने ऐसे किया, आई एम स्टंट, आई एम स्टंट एंड ऑल दैट, इट्स क्वाइट फनी।
मैंने देखा नहीं है बट आई कैन इमेजिन इट एंड इट्स वेरी फनी. इन लोगों में ऑब्वियसली IIT से हैं, दिमाग तो है इनके पास, मगर क्रिएटिविटी भी बहुत है. एंड रोडीज इज अ वेरी स्पूफेबल थिंग. मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमारी दो गंजे एक टाइप दिख रहे हैं. मजाक तो उड़ी सकता है किसी से. करेक्ट है. नहीं, उन्होंने क्या अच्छा किया, मतलब किसी ने इतना मेहनत किया, कैमरा लाए, बेचारे सेट लाए, एक बंदा शायद गंजा हो गया हमारे चक्कर में. इतनी उन्होंने मेहनत उन्होंने की, हम इसमें नेगेटिव क्या देखें. वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है. तो आप लोग किसी कैसे बनाते हो, इट्स वेरी नाइस. अच्छा, रोडीज अपने सीजन 9 में पहुंच गया है, अब USA जा रहा है. 13 कंटेस्टेंट, 13 फाइनलिस्ट आपके साथ फाइनली जर्नी शुरू करने वाले हैं. बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, पर इस बार नया क्या? अगर आप मानेंगे बिल्कुल कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ भी नहीं. यही सरप्राइज है, ये सरप्राइज है. देखिए, नया जो होता है ना, हर साल जाहिर है, हर साल यही पूछा जाता है कि इस बार नया क्या होगा, और हर बार हम ये कहते हैं यार इस बार नया ही है, क्या कर सकते हैं हम. हमें ये नहीं, अगर आप बोलो कि रूडीज 8 फिर से बना दो तो हमें नहीं पता कैसे बनाना. इस साल हमने गेम इतना इंटेंस कर दिया है कि सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा टास्क है. इट्स अ टफेस्ट टास्क रियली. आई कैन एक्सप्लेन मोर, आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा सर्वाइवल कितना मुश्किल और कितना इंटेंस है इस साल. एवरीथिंग और नथिंग, ये आपको इस गेम के लेवल का एक हिंट देता है. चलिए हम वेट कर लेते हैं, एपिसोड जब देखेंगे तो शायद हमें भी समझ में आ जाएगा कि ये रघु और राजीव. मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, वापस आ जाइए, अभी आप वापस जा सकते हैं. इतनी जल्दी ये जाने नहीं देते हैं किसी को, और बड़े आराम से और प्यार से तो बिल्कुल जाने नहीं देते हैं. मैं जो बोलूंगा उसे बहुत सीरियसली लेना. ये शो आप में से बहुतों के लिए नहीं है, ठीक है, और मैं पहले बोल चुका हूँ ऑडिशंस के टाइम पे, और मैं अब फिर बोल रहा हूँ. आपका अगर आप अगर छोटी छोटी बातों पे आप हिल जाते हैं, आपका दिल धड़कने लगता है, सदमा लगता, सदमे पहुँचते हैं आपको, तो ये शो आप मत देखिए. हमने आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाया. आप बोलेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कर चुके हैं और कर रहे हैं. मैं बता रहा हूँ, नहीं हमारे बच्चे नहीं देख सकते, वो बच्चे देख रहे हैं और मस्ती से देख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. प्रॉब्लम अलग चीज़ों से हो रही है, आप भी उस प्रॉब्लम में शामिल है बाय द वे. साइड हो जाना लाइफ में, और इस साल प्लीज मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए. मुझे मत पूछना आपने ये कैसे और क्यों किया, मैंने कर दिया. मनमानी है, मनमानी पे आप जाके सूरज भर जाते हैं कि पिक्चरें देखिए, आप खुश रहेंगे. वो है इंडिया, हम खराब हैं, आप हमारे ऊपर वक्त जाया ना करें और दफा हो जाए. चलिए, रोडीज के अंत में देने के लिए मेरे पास तो कोई मैसेज बचता नहीं है. रघु राजीव है बता दिया इन्होंने, तो हम भी दफा हो जाते हैं. बाय, थैंक यू सो मच. कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ भावना मुंजाल, इंडिया TV, दिल्ली.